कल के यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लग गया था हमारे जो पवार डॉक्टर साहब है उनके यहाँ पर विशेष प्रेम, आधा घंटा हो गया हमको अपने जो भी चीज़ आपको बता रहा था, फिलहाल तो हम नेक्स्ट ब्लॉक में उसको देख लेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ, क्लासेस का भी टाइम हो रहा है और काफ़ी लंबे समय से हम लोग बाहर है गाड़ी पर हैं, तो यहाँ से अब हम लोग लगभग घर तक पहुँचने वाले, थोड़ी देर हम लोग और वार्तालाप कर ही रहे थे, जल्द आएंगे नए वीडियोस में नए ब्लॉग्स के साथ। और 13 जुलाई को भी बहुत सारे ब्लॉग्स बनने वाले हैं, अखाड़ा निकलेगा, परफॉर्मेंस होगी हमारे मार्शल आर्ट की, और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और आफ्टर 3-4 मंथ आपको एक नए रूप में स्पेशली मैं नज़र आ जाऊँगा, देखते हैं, वो तो सरप्राइज रहेगा। अभी एकदम से मैं मतलब सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर बड़ी भी नहीं, मतलब रिवील नहीं कर सकते, कई चीज़ें हिडन ही अच्छी रहती हैं, तो ठीक है जब सरप्राइज रहेगा तब हम लोग आपको दिखाएंगे। जब तक रुके रहते हैं कि 3-4 महीनों में कि आप कहाँ हैं कहाँ हैं कहाँ हैं, तो हम लोग एक बार फिर से वापस आ गए, और क्यों गए थे वो थोड़े टाइम बाद आपको अगले 2-3 महीने बाद मैं बता दूंगा। तो अब हम लोग बैक कैमरे से देखते हैं और आज का ब्लॉग क्या होने वाला है वो भी हमको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो गाइस अब हम लोग निकले हैं माँ ताप्ती के परिक्रमा मार्ग मेन गेट के सामने से, और जस्ट स्टैंड भी हटा लिया है। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं मुल्ताई थाना रोड से होते हुए बस स्टैंड के पास, और बज रहा है शाम के तकरीबन 5:30 जो भी बज रहा होगा। यहाँ से बहुत बेकार सी स्मेल आ रही है, काफ़ी हद तक स्कूल खुल गए हैं और छुट्टी का एक टाइम है, लोग अपने ऑफिसेज वगैरह की जो भी ड्यूटी है उसको कंप्लीट करके यहाँ पर आ रहे हैं। ऑटो स्टैंड बन गया हमारे यहाँ बराबर से, और हम चल रहे हैं जहाँ पर भी थोड़ी देर में वापस आएंगे, तहसील जा रहे थे एक्चुअली में तहसील कार्यालय, तो वहाँ तक तो मैं आपको नज़ारे दिखा देता हूँ। ये पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के ठीक सामने आपको बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी नज़र आ जाएगी, और इस तरफ केवल गाड़ियाँ हैं। गैस मुल्ताई में तो मेरे ख्याल से जितनी जनसंख्या नहीं होगी उतनी तो बाइक्स आपको नज़र आ जाएगी। देखते हैं यहाँ पर क्या नज़ारे, और इसके बाद हम लोग जब यहाँ से बाहर आएंगे तब ब्लॉक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। गैस तहसील कार्यालय भी काफ़ी साफ़ सुथरा अभी फ़िलहाल तो नज़र आ रहा है बारिश के बाद भी, और हम चलने वाले हैं यहाँ से धीरे धीरे। भैया एक मिनट वकील से मिल लेते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं मुल्ताई हाई स्कूल ग्राउंड के पास के अभी नज़ारे क्या चल रहे हैं। हमारा माननीय न्यायालय का पूरा परिसर, पापा पूछ रहे कोर्ट जाने में, पर वहाँ जाएंगे तो करीबन 2 घंटे फिर लग जाएंगे। ये देखिए अब ये बन रहा है हमारा सीएम राइज स्कूल हो चुका है। सीएम राइज स्कूल के लिए बहुत बड़ी संख्या में बड़ी राशि आई है, बस वो बिल्डिंग्स बन रही है, और दो मिनट रुक देना। और यहाँ पर कुछ समय पहले तक बच्चे काफ़ी बड़ी संख्या में क्रिकेट खेला करते थे, अब तो यहाँ पर बन गया है बिल्डिंग का काम चालू हो गया है। ठीक, अभी हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, अभी तो फिलहाल बाहर से जा रहे हैं, पापा वेट कर रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता है रेनिंग्स का जो सीज़न है, रेनी सीज़न, बारिश का मौसम वो आ गया है, जगह जगह कीचड़, हरियाली, ऐसे जो मतलब नेचुरल आपको जो सीन्स है वो अब बहुत सारे नज़र आएंगे, पेड़ पेड़ों पर फूल फल। मुल्ताई रेलवे स्टेशन ये भी आपको आफ्टर सम मंथ बोलना चाहिए, काफ़ी बदला सा नज़र आने वाला है। ताई का एकमात्र बोला जाना चाहिए मेहनत किया हुआ पार्क जो थोड़े टाइम में शायद नस्ते नाबूद हो जाए। देखिए पार्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तो ख़राब कर दिया गया है बोले, या डेवलपमेंट के नाम पर रूप परिवर्तन होने वाला है इसका, जो भी आप समझ ले। इधर से ऐसा कुछ नज़ारा नज़र आता है, बड़ी बड़ी विशालकाय भीमकाय मशीनें, उधर से रास्ता नहीं है पापा, अच्छा उधर से रास्ता भी हमारे को देखना पड़ेगा, तो पापा यहाँ से रास्ता खोज रहे हैं जैसे रास्ता ढूंढो प्रतियोगिता होती है लगभग वैसी। यहाँ पर गाइस ऑटो स्टैंड बनने वाला है,
पार्किंग, ऑटो स्टैंड, मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर चेंजेस नज़र आएंगे। और इधर से देखिए आप, और भाई आपको मिल जाएगा और सालों के बाद मिल रहा है यार। तालाब के पास का जो भी मैं आपको हाल बताने वाला था, पापा ने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, तो वहाँ पर चौपाटी लगभग चौपट हो गई। नगरपालिका का एक अच्छा सराहनीय कदम बोलना चाहिए जिसको, पूरी भरसक प्रयास किया गया। यहाँ के जो भी जो जगह जगह ठेले लगे गए थे उनको हटाया गया ताकि आने जाने वाले जो लोग परेशान हो रहे थे और काफ़ी एक्सीडेंट भी हो रहे थे, उसका रूप परिवर्तन करने की एक अच्छी कोशिश थी। परंतु इससे जो ठेला वगैरह जो लगा रहे थे उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ, बहुत बड़ी संख्या में वो लोग मतलब परेशान हुए, और उसके जो भी बोलना चाहिए मैसेजेस कॉल्स हमारे तक भी पहुँचा। और अभी देखिए वापस वही नज़ारे फिर से दिख रहे हैं मुझे, जो शॉप वगैरह है वो लगी हुई है, उधर चौपाटी वाला जो काम है वो एक हद तक जो है ना, मतलब परिवर्तन एकदम से तो नहीं आता पर ठीक है, उसको हम सफल भी कह सकते हैं। और लोगों को जो भी परेशानी हो रही है उसका कहीं ना कहीं एक तोड़ निकालना बहुत ज़रूरी है। जो वहाँ के दुकानदार है उन्होंने मिलकर मतलब ज्ञापन सौंपा बैतूल कलेक्टर महोदय तक, ये बात गई, बट उसके बाद भी ये सारी चीज़ें अभी चलती रहेगी, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बट ब्रेकर्स यहाँ पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हैं, आप लोग भी देखिएगा जैनकोल रिंग रोड पर मुझे 3 से 4 ब्रेकर्स तो अभी नज़र आए, काफ़ी कम दूरी पर, इसका भी शायद कोई पैमाना रहता है इतनी इतनी दूरी पर। वैसे तो इसकी ज़रूरत जहाँ पर भी हो लगा देना चाहिए। मेनली ऐसा है कि स्पीड से अगर गाड़ी चल रही है तो उसको रोकने के लिए उसका स्पीड को ब्रेक करने के लिए ब्रेकर्स होते हैं, पर ब्रेकर्स का मतलब ये पोस्टल मार के यही होता है, टोटल मार के कि कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए हम लोगों ने हमारे अंबेडकर चौक से। फिलहाल तो अच्छे फल की दुकान यहाँ पर आपको अच्छी खासी मिल जाएगी और थोड़ा रिजनेबल रेट भी रहता है। और मेन चीज़ रहती है कि जितने भी फ्रूट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे वो सारे के सारे जो रहते हैं वो मतलब फ्रेश रहते हैं, बहुत जल्दी से यहाँ पर बिक भी जाते हैं। और जितने भी ठेले पर आपको जो दुकानें दिखती है वो लगभग एक ही कनेक्शन से जाती है, जो दिन भर आपके घर तरफ भी आते होंगे, आम ले लो आम ऐसा करके बोलते हैं ना, टाइम में मोस्टली एक तो लंगड़ा आम आता है, दशहरी आम आता है और एक कलमी आम भी आता है जो कच्चा सा रहता है। सबसे ज़्यादा तो दशहरी आता है। एक अभी मैं आम वाली की दुकान से आया पर मैंने इसकी जाति नहीं पूछी, तो ऐसे कुछ आम आते हैं मोस्टली, और लंगड़े काफ़ी हद तक मीठे रहते हैं। अभी एक लड़का गया कहीं तो ये भाई साहब इतनी स्पीड से गाड़ी लेके गए कट मारते हुए, पता नहीं आगे चल किसको उड़ाने का इनका पूरा, और बहुत स्पीड में थे वो। साथ में एक चीज़ मैं बता दूं कि उनकी उम्र भी काफ़ी कम है, मतलब बच्चे जो होते हैं ना वो ट्यूशन से जो आना जाना कर रहे हैं, लेट हो जा रहे करके, तो अपने जो भी हमारे दर्शक छोटे बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान रखें, प्लस जो उनके माता पिता देख रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि अपने जो बच्चे हैं उनको विशेष सलाह दें कि मस्ती ना करें रोड पर, स्पेशली गाड़ी चलाते समय, क्योंकि आप खुद की जान से खिलवाड़ कर रहे होते हैं, प्लस अगर आप किसी को ठोकते हैं तो उसको फ्रैक्चर वगैरह हो जाएंगे और वो ताउम्र फिर जो होता है वो दर्द से जूझता हुआ ही रहेगा। फिर ऑपरेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि मतलब भगवान दुश्मन को भी हॉस्पिटल के दर्शन ना करवाए, तो आप लोग थोड़ी समझाइश दीजिए। और जो हमारे नन्हे मुन्ने बालक बालिका दर्शक जो देख रहे हैं वो हमारी बातों से ही समझ जाए, तो बैक कैमरे से हम लोग देखते हैं क्या चल रहा है क्या समझा है। हवा तो बहुत तेज चल रही है फिलहाल। अभी देखिए हम लोग जिस चौक पे चल रहे, अभी बीते दिनों पहले आप हमारे कोई भी ब्लॉग उठा के देखेंगे तो रोड जो है वो काफ़ी कम चौड़ी हो गई थी, अभी तो काफ़ी हद तक फिर से मुझे ये गाड़ियाँ जो है वो खड़ी नज़र आ रही है। हम लोग अभी गांधी चौक वाले रास्ते पर हैं जो कि बैंक के साइड में से होकर जाता है। आपको बता दूंगा इसकी इस समय जहाँ पर स्कूल ओपन हो चुके हैं और ये हफ्ता जो होते हैं मतलब शुरू के 15 दिन बोलना चाहिए जिसको, हमारे टाइम तो 1 जुलाई को स्कूल खुला करते थे,
फिर अभी हमने जब स्कूल खोला था तब 15 जून 16 जून से स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। बट आपको बता दूं कि मतलब सेशन जो है वो हमारे इसमें तो जुलाई से ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं, और ट्रैफिक जो है लगातार गाइस बढ़ता हुआ हमको नज़र आ रहा है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा, अलविदा, मिलेंगे नए ब्लॉग में। यदि आप हमारे चैनल पर, हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और बाकायदा कमेंट करके आप बिल्कुल बता सकते हैं। हम एक बार फिर से ब्लॉगिंग में जल्द आएंगे। ठीक है, बाय बाय।